है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम दुब्रोवनिक पहुंच गए और होटल आ गए थे, तो अब ये वीडियो यहीं से शुरू कर देते हैं। तो अभी हमें होटल में तो शुरू करते हैं होटल टूर से, और उसके बाद में देखते हैं कि दुब्रोवनिक सिटी में एक्सप्लोर करते हैं कुछ, या फिर आज बीच पे ही जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा दिन रहेगा। तो अब दिखाते हैं रूम टूर और फिर शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अब देख लेते हैं रूम कैसा है। तो रूम टूर टाइम। तो ये अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पे है एक थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद में यहाँ शुरू में सबसे पहले है वॉशरूम। तो वॉशरूम देख लेते हैं वॉशरूम कैसा है। तो वॉशरूम में यहाँ पे पूरा बिग मिरर, फिर टॉयलेट, फिर यहाँ पे एक टब है और साथ में स्टैंडिंग शावर भी है अलग से। तो यूरोप में यूजुअली टब ही होता है, मोस्टली टब में ही आप शावर लेते हो, बट यहाँ पे ये अलग से स्टैंडिंग शावर भी है, तो ये काफी अच्छी बात है। फिर वॉशरूम से बाहर आते ही यहाँ पे है ये ह्यूज कबर्ड, और फिर ये यहाँ पे अगेन मिरर है, और जैसे शू वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ बैठ के सामान वगैरह रख सकते हैं। फिर यहाँ पे है ये एक छोटा काउच, एंड देन यहाँ पे भी जैसे काफी सारा स्पेस है, और उसके बाद में यहाँ पे है ये बहुत बड़ा सा अमेजिंग सा बेड। यहाँ पे लगी हुई है कुछ बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स जो कि काफी ऐसे विजुअली अपीलिंग बना रही है इस रूम को। उसके अलावा अगेन यहाँ पे भी एक काउच है, ये साइड टेबल्स हैं, कारपेट है, और यहाँ पे भी ये वाली चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि टीवी है और उसके साइड में मतलब पूरा बड़ा मिरर है। तो मतलब जैसे इस रूम में आई थी काफी ह्यूज ह्यूज मिरर्स दिए हैं उन्होंने। फिर यहाँ पे जैसे ये कैबिनेट है, कॉफी टेबल वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे ये चेयर है, यहाँ पे अगर आपको जैसे काम करना हो तो आप काम कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पे एक और काउच है, फिर ये यहाँ पे एक टेबल भी है साथ में, और उन्होंने कुछ तो स्वीट्स और डेजर्ट्स रखे हुए हैं वेलकम के लिए, और वेलकम नोट भी दिया है साथ में। तो उसमें वही जैसे हमारा नाम लिख के कि वेलकम टू आवर होटल, तो आई थिंक वो स्टैंडर्ड है, सब गेस्ट के लिए होता है, तो आप भी आएंगे आपको भी मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे है बैल्कनी, तो अब बैल्कनी से व्यू देख लेते हैं क्या है, बाहर चलते हैं। तो ये मैंने खोल के रखा था पहले ही, तो अगर बाहर आते ही यहाँ पे है ये बैल्कनी, और यहाँ पे इन्होंने बैल्कनी में भी सीटिंग के लिए दो चेयर और टेबल दी हुई है। उसके बाद में यहाँ से है ये अमेजिंग व्यू, तो पूल का व्यू है, उसके बाद में साथ में जैसे थोड़ा बहुत सी का व्यू भी है, यहाँ से थोड़ी होटल की प्रॉपर्टी दिख रही है, तो आई थिंक व्यू काफी ज्यादा अमेजिंग है। करते ही बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि ड्राइव थोड़ी सी हेक्टिक थी, मतलब ऐसे ऐसे कर्वी रोड्स एक तो बहुत ज़्यादा थी, प्लस गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो एकदम चेक इन करते ही बस मन किया कि सो जाएं, तो एक दो घंटे के लिए सो गए थे ताकि कल के लिए एनर्जी रहे। बाकी अभी बस उठे हैं, अभी डिनर करने के लिए आए हैं, तो डिनर करने के लिए कहीं और जाने की श्रद्धा नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहीं पे होटल के ही साइड में मतलब बीच रेस्टोरेंट है एक बीच के, वहाँ पे वहाँ जाके चेक करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग लग रहा है रात में। मतलब एक तो स्पेशली ये जो टाइल्स का कलर इन्होंने लाइट ग्रीन करके जो लगाया हुआ है, वो ये पूल को एकदम ब्यूटीफुल बना दे रहा है, और प्लस जो ये ग्लास इफेक्ट्स और लाइट्स के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। और सेकेंडली जैसे अगर घूम जाओ और इस साइड का व्यू देखो, तो एक तो बीच है और फिर जैसे इस साइड पूरे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स, ये पूल का कलर, ये होटल की लाइटिंग और पीछे बीच, ये ओवरऑल सेटिंग मतलब बहुत ही अमेजिंग लग रही है। और सेकेंडली मतलब जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जो पीछे चांद दिख रहा है वो ये पूरी सेटिंग में चार चांद लगा दे रहा है। तो अभी चलते हैं वो रेस्टोरेंट में और देखते हैं वेजिटेरियंस के लिए पहले तो कुछ मिलेगा क्या नहीं, और सेकेंडली बजट में कुछ फिट होगा कि नहीं, क्योंकि ये होटल ऑलरेडी बहुत महंगा पड़ रहा है। अभी अगर रेस्टोरेंट में 5 गुना पैसे ले रहे होंगे तो शायद ना हो पाए, तो देखते हैं। आ गए हैं मेन स्ट्रीट पे, रेस्टोरेंट्स वाली पे। पीछे तो ये शेरेटन वालों का रेस्टोरेंट लग रहा है, और इधर वाली साइड है एक अच्छा सा बीच। दिन में काफ़ी ज़्यादा इसमें अगेन वही क्लियर वाटर वाला लग रहा था। क्रोएशिया में किधर भी जाओ, कोई भी गली कूचे में जाओ, बहुत ही अच्छा वाला पानी देखने को मिलता है। और फिर यही वाली स्ट्रीट पे अगर अपन थोड़ा आगे चलेंगे ना, तो इधर भी सारे के सारे वही रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं। तो इनमें देखते हैं अपने लिए कुछ मिलता है क्या, और एक्सप्लोर करते हैं ये वाला पार्ट ऑफ दुब्रोवनिक। का
तो काफी सारा घूमने के बाद में हम लोग ऐसे मेन रोड पे आगे तक भी चेक करके आ गए, बट सरप्राइजिंगली मेन रोड के उधर जो फास्ट फूड का एक रेस्टोरेंट था वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, ये जो शेरेटन का खुद का रेस्टोरेंट है उससे भी। तो हमको फिर इवेंचुअली यही ठीक लगा कि यहाँ पे जैसे एक दो वेजिटेरियन के लिए पास्ता वगैरह के ऑप्शंस भी ठीक हैं और मतलब प्राइस वगैरह भी ठीक ही हैं, 5 स्टार के या 4 स्टार जो भी है ये, तो उसके हिसाब से ऐसे क्रेजी एक्सपेंसिव नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए हैं, साइड में ये बीच और ये सेटिंग है, तो सोचा थोड़ा सा वेकेशन फील्स और यू नो वो वाली फील्स लेते हैं। तो अब बस खाना ऑर्डर किया है, वो आएगा। और बाकी यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी है एकदम, मतलब यूजुअली यूरोप में ऐसा मिलता नहीं है हॉस्पिटैलिटी, बट यहाँ ऐसे थोड़ा वार्मनेस है, मतलब ऐसे लोग आते हैं तो ऐसे वेलकम करते हैं, आओ बैठो, तो थोड़ा ऐसे इंडिया से रिलेटेबल लग रहा है कि इंडिया में भी ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं थोड़े हॉस्पिटैलिटी अच्छी होती, तो वो वाली फील्स हैं यहाँ। तो हम लोगों ने मतलब खाना ऑर्डर कर दिया था, उसके बाद में जैसे ये ब्रेड्स तो वो सबको ही दे रहे थे, बट उन्होंने जैसे हमको लाके ये ब्रुशेटा भी दे दिया अलग से, उन्होंने बोला कि ये शेफ़ की तरफ से है हमारे लिए, हमको नहीं पता क्यों काफ़ी स्पेशल फील हो रहा है। और उसके बाद में अभी जो यहाँ के मैनेजर हैं वो आके बोल रहे हैं कि ये तो शेफ़ की तरफ से है, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ तो लेमनेड मोहितो टाइप्स भी कुछ लाता हूँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री उनकी तरफ से। मैंने कहा अच्छा नेकी और पूछ पूछ ले आओ, आंदो आंदो आंदो। मुझे लग रहा है वो वेजिटेरियन के लिए अपन ने उनको बोला ना कि भाई प्रॉन्स वगैरह हटा दो हमारे डिश से, तो उनको लगा होगा भाई ये क्या सूखा फूखा स्पेगेटी और ये पास्ता खा के जाएंगे, तो इनको कुछ तो दे देते हैं मेरे हिसाब से, शायद इसका असर पड़ गया। वर्जिन मोहितो भी आ गया, काफी ज्यादा फैंसी और मतलब पता नहीं आर्ट, तो वो क्या बोलते हैं मेहमान तो बंदा कदरदान वैसा कुछ हो गया, मतलब 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आके एक ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टर डिश और 2 ड्रिंक्स फ्री में मिल जाए तो और क्या चाहिए। और पहले तो अपने को ऑर्डर नहीं था ये रेस्टोरेंट लाइक डायरेक्टली शेरेटन, पूछा अभी कि ये शेरेटन का ही है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ, तो हमने कहा चलो आज तो फिर अच्छा डिनर होएगा। बट हाँ इट्स लाइक हमेशा अफ्रीका कुछ मिलता है तो अच्छा ही लगता है। तो हमारा मेन कोर्स आ गया, सचिन ने स्पेगेटी ली थी, मैंने पास्ता लिया था। तो इंडिया में जैसे नहीं आता सॉस में लबाबदार होके पास्ता, वैसा नहीं है यहाँ पे वेजिटेरियन वाले में, तो इन्होंने मतलब आई थिंक ये साइड डिश थी जो हमने मेन कोर्स के जैसे लिए, बिकॉज मेन कोर्स में तो कुछ भी वेजिटेरियन नहीं था, बट वैसे खाने में काफ़ी अच्छा है। और ये बहुत लाजवाब है, इसमें इन्होंने भर भर के पुदीना डाल दिया है, वो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रहा है। मैं ये देखो पुदीना, एक तो पेड़ उगा दिया वैसे लग रहा है जैसे। नींबू वींबू भी ऐसे एकदम फैंसी, लेमन भी इन्होंने आई डोंट नो ड्राइड लेमन है या फिर कुछ ऐसे हैं, बट बहुत ये बहुत टेस्टी है पीने में जो फ्री का। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो स्पेगेटी हमने ली है ना, इसकी कॉस्ट में कल हमें एक पूरा का पूरा बर्गर और स्वीट पोटैटो फ्राइज, पोटैटो वेजेस, वो जो कल अगर आपने पहला वाला व्लॉग देखा होगा उसमें हमने दिखाया है जो क्रोएशिया का मैच हो रहा था, वो वाला जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर, और मकार्स्का में था आई थिंक दुब्रोवनिक, मुझे लग रहा है ओवरऑल क्रोएशिया में डबल महंगा तो होगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसे होटल भी यहाँ पे काफी काफी ज्यादा महंगा है, जैसे कंपैरेटिवली मकार्स्का ये होटल ही अगर अपन देखेंगे तो मकार्स्का के कंपेयर में या फिर स्प्लिट के कंपेयर में ऑलमोस्ट डबल है यहाँ की प्राइस, काफी महंगा है। तो मतलब अभी देखते हैं, कल एक्सप्लोर करते हैं डुब्रोवनिक उसके बाद में है कैसा, वर्थ इट है कि नहीं, फिर आप लोग को रिकमेंड करेंगे कि अगर क्रोएशिया आना है तो कहाँ आना चाहिए। सचिन को काफी लेट पता चला कि ये लाइट में ही कैन जस्ट चेंज हिज कलर्स। शिल्पा ने कैमरा चालू, मुझे भी नहीं पता, शिल्पा ने कैमरा चालू कर दिया है कि भाई कुछ बोल दो, मुझे समझ में आया, मुझे डिनर हो गया है। डिनर कैसा था? डिनर काफी अच्छा था, पोर्शन थोड़े थोड़े थे, बट आई थिंक आज हमें उतना कुछ वो हैवी वाला खाना भी नहीं था, तो अच्छा ही लगा खा के। हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत अच्छी लगी, मतलब एकदम ऐसे इंडिया की यू नो प्रेजेंस दिला रहे हैं। कल से आई थिंक काफी सारे वीडियोस में अपन बात ही कर रहे हैं कि यहाँ पे काफी कुछ इंडिया से मिलता जुलता है, और ये एक और भी चीज थी जो हम 3-4 दिन से फील कर रहे हैं कि हाँ यार लोग काफी वार्म है, वेलकमिंग है बहुत ज्यादा, और ऐसे बातूने भी हैं, यू नो बातें भी खूब करते हैं। हाँ, और ऐसे हॉस्पिटैलिटी भी काफी अच्छी थी, मतलब उसने फ्री में 2 ड्रिंक्स ला दी वर्जिन मोहितो, और हाँ, फिर ब्रुशेटा ड्रिंक तो पता नहीं क्यों ला दी, भगवान जाने क्यों ला दी। लेकिन उसने हमें इतना वो करवा दिया ना कि जो भी पैसे थे वो टिप में निकल गए, वरना ड्रिंक के पैसे टिप में निकल गए। हमें लगा यार ये इतना आइटम लिया है तो टिप तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, वरना हम यूजुअली इतनी टिप देते नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा। मतलब जर्मनी में वही 5% का कल्चर है,
उतनी ही देते हैं। हाँ, वो भी कई बार आदमी स्किप कर देता है और अगर कुछ खास सर्विस नहीं लगती। बट हाँ यहाँ पे तले ऐसे दब गए थे कि हमने सोचा सचिन जितने का इसने लाके दिया है उतना दे दो, हमने ड्रिंक वाले पैसे उसको टिका लेके जाएंगे। हाँ नहीं अच्छा ये मतलब बंदे काम करते हैं ना दिल से। और खाना एक्चुअली काफी अच्छा था और मतलब हॉस्पिटैलिटी मतलब वही बात होती है एक बस हॉस्पिटैलिटी में आपको फील गुड करवाते हैं, इट्स आल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस। तो वो काफी अच्छा था। क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का, क्या नाम है, लुंगो मारे कुछ तो था, लुंगो मारे करके रेस्टोरेंट है, लुंगो मारे कुछ। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को जब कोई दिल से परांठे फिर कोई डोसा फिर कुछ लाके देता है, किसी को घी डोसा लाके देगा या फिर किसी को यू नो पनीर परांठे आलू परांठे दही वही के साथ में, तो उस टाइम में मन नहीं करता कि यार भाई तूने क्या बढ़िया खाना खिलाया यू नो। सो आई थिंक वो एक दिल खुश होना इज वे मोर इम्पोर्टेंट समटाइम्स खाना खाने के कंपैरिजन में। एग्जैक्टली, तो ये रेस्टोरेंट में मतलब हम वही बोलेंगे कि दिल खुश कर दिया इन्होंने खिला के, इतना प्यार से खिलाया, सो इट वॉज वेरी गुड। तो ये यहाँ होटल है और फिर ये रेस्टोरेंट बस यहीं पे एकदम साथ में लग के ही है, काफी अच्छा था। फिर से शिल्पा लेके फोकस वो चालू हो गई भैया, अभी कुछ और बातें मुझे क्या बोल रहा है ध्यान में आई क्या कि उसने जब वो 10% ऑफ दिया बोला कि इसके मेंबर आप हो सचिन, ये सब प्रीमियम चीजों के मेंबर लेकिन आप कब बने? ये एक जमाने में मैंने ऐप इसकी डाउनलोड कर ली थी, ऐप सबकी होनी चाहिए, काम में लो नहीं लो यू नो। तो आपने जैसे वो कैसे मिला वो आपको, क्या बस ऐप आपके पास थी आप मेंबर बन गए? हाँ ऐप उसमें डाउनलोड करो, आई थिंक एक बार स्टे करना होता है शायद, आई डोंट नो, वही मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कब हो गया ये स्टे। प्रीमियम है, प्रीमियम जगहों के मेंबर एंड ऑल ना सचिन। नहीं भाई नहीं भाई, अरे यार मुझे नहीं लगता मैंने उसमें स्टे करा होगा। आई एम श्योर, मुझे लगता है कि वो ऐप डाली मैंने उसमें जो अपन नॉर्मल जीमेल बनाते हैं गूगल बनाते हैं वैसे साइन अप कर लिए, इंस्टाग्राम बनाते हैं और वैसे साइन अप कर लिए। ढंग से देखा भी नहीं उसने, बस पूछा आप मेंबर, उसने पूछा बोला मैं मेंबर हूं, उसने बोला शिल्पा मैडम है कोई दिक्कत नहीं है 10% डिस्काउंट 10% ले लो आप 10। हमने बोला ये क्या हो रहा है भाई, एक बार तो आप ड्रिंक ला के दे रहे हो, अभी क्या हमारे जेबें लूटोगे क्या? बड़े बड़े बढ़िया लगा। और अभी ये साइड में पूल वूल है, लग तो रहा है कि यहाँ पे बैठ जाए थोड़ी देर, तो आई थिंक 10-15 मिनट बैठेंगे और उसके बाद में रूम की तरफ प्रस्थान करेंगे गाइस। गंतव्य में है अभी यू नो। अच्छा, तो अभी अभी आज की रात के लिए रूम गंतव्य स्थान है। रूम सही गंतव्य स्थान, रूम तो जहाँ पे अपना ठहराव हो गया, जहाँ पे पड़ाव लिया अपने, वो है रूम यू नो। सो गंतव्य आ चुका है, गंतव्य दुब्रोवनिक है। एक्चुअली यू आर राइट, गंतव्य तो दुब्रोवनिक है, ये अपना पड़ाव लिया अपने होटल पे ना। अच्छा, एब्सोल्युटली वैसा कुछ होगा। ओके शिल्पा, काफी ज्यादा मजे ले रही हो, अभी वीडियो बंद कर सकती हो। ओके बाय। तो डिनर करके पूल वाले एरिया के वहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय करके अब होटल में आ गए हैं, अब रूम में जाएंगे और सोएंगे। तो हमने इनसे बात की, हमने इनको बताया थोड़ा हमारा यूट्यूब वगैरह का, तो हमने इनसे पूछा कुछ डिस्काउंट वगैरह के ऑप्शंस हैं क्या, क्योंकि दुब्रोवनिक काफ़ी टूरिस्टिक है और आई थिंक इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं, इनको भी पता है। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको आपके सब्सक्राइबर्स के लिए सब स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। तो फिर जैसे हमको भी इन्होंने 50% डिस्काउंट दिया है यहाँ पे जो भी होटल रूम की प्राइस है उस पे, और इन्होंने मतलब आप लोगों के लिए भी हमको डिस्काउंट कोड दिया है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है कूपन कोड। इस शेरेटन में बुकिंग करने के लिए ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, हमें कोई कमीशन नहीं मिलेगा इस कूपन कोड से। और कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि कल हम शायद करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स वाला टूर और जाएंगे दुब्रोवनिक सिटी, तो देखते हैं कैसा रहता है वो एक्सपीरियंस। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे के और वीडियोज़ देखने के लिए ट्रैवल के या फिर जर्नी से रिलेटेड हमारा और भी बहुत सारा कॉन्टेंट होता है वो सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलेंगे हमारे आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।